प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। माया तो सब कितना पढ़े लिखे हो तो देखो क्यों हेलो बोल भी लो यार क्या फायदा सुना इंदिरा कम मारेगा ये लोग मारेंगे यहीं पे बोलोगे आधार कार्ड पैन कार्ड ये इसका है ना कहाँ गए हो ये नौकरी हाँ नहीं वही तो जैसे वो तो बेवकूफ था ना मतलब उसे 5/1/2019 को एक नीरज नाम का लड़का जो कि मथुरा का रहने वाला है स्मॉल आर्म फैक्ट्री में अपनी एक ज्वाइनिंग लेटर लेके आया और उसने बताया कि मेरी तैनाती यहाँ पे हुई है। तो वो ज्वाइनिंग लेटर जो लाया था वो फर्जी थी। तो वहाँ के कार्यालय प्रबंधक श्री विवेक कौशिक ने एक FIR अरमापुर थाने में नीरज के खिलाफ लिखवाई कि वो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेके यहाँ पे नौकरी के लिए आया है। इसकी विवेचना की गई तो ये जानकारी हुई कि जो नीरज व्यक्ति है वो स्वयं पीड़ित है और इसमें जो मेन डिफॉल्टर है जो जिन्होंने फ्रॉड किया है वो कुछ कोई अन्य लोग हैं। तो उसी की तफ्तीश के दौरान ये दीपक मीणा जो कि अलवर का रहने वाला है इसका नाम प्रकाश में आया। ये लोग देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग शहरों में इसी प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर दे के 3-4 लाख रुपए फ्रॉड किया करते थे और दीपक मीणा को कल SHO हरमापुर और चौकी इंचार्ज हरमापुर श्री अजयपाल सुरान सैन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 3,13,500 रुपये और लैपटॉप जिससे कि ये लोग ज्वाइनिंग लेटर बनाते थे बरामद किया गया है और माननीय न्यायालय इसे पेश किया। कितने मामले सामने आए इन्होंने क्या पूछताछ? फिलहाल तो जो बरामदगी है वो एक ही मामले की है जो कि क्राइम नंबर 1/2019 है हरमापुर का। बाकी इससे पूछताछ हो रही है और इसके कॉल डिटेल के आधार पे अभी तफ्तीश की जाएगी कि अन्य कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया। जिस तरीके का गैंग उसको देखकर क्या लगता है? डेफिनेटली अभी इसमें अभी और भी व्यक्ति इसमें वांछित है और इसके द्वारा बताया गया है कि करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में होंगे तो उसकी भी तलाश की जा रही है उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। बड़ा नेटवर्क का एक सिरा पकड़ा। हाँ डेफिनेटली जो दूसरा अभियुक्त है वो बिहार का है मोकामा का रहने वाला उसको पकड़ेंगे तो हो सकता है कि और भी चीजें मालूम हो तो वो सभी पूरे नेटवर्क को खंगाला जाए। थैंक यू।